पापा का स्नान नहीं करते तुम। अरे हम तो जानते हैं, फिर हम कैसे जान करके कैसे पाप करें? कितनी बढ़िया बात है, गलत कहा गया। कुल राज्य में कैसे बनू? इनको मारने से तो अच्छा है कि मैं ये सब छोड़ छाड़ करके मन में चला होता हूं। धृतराष्ट्र, इनको मारने से, इस धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने से तो अच्छा है, क्या मिलेगा? का प्रीति सर जनार्दन, इनको मारने में हमको क्या प्रीति है, क्या क्या मिलेगा? मैं तो इससे अच्छा की भिक्षा मांगू। कितना बढ़िया करके है, गलत है क्या? कुछ हमने भाइयों को नहीं मारना, गलत है क्या? है ना, आज वही तो तर्क देते। आज मेरे पास एक का मेल आया, अपने अच्छे कार्यकर्ता का मेल आया, वो कहते हैं भैया आखिर जिनको ये अपन नक्सलाइट कहते हैं, माओवादी कहते हैं, वो आखिर में अपने तो भाई है ना, उनका शोषण हुआ, लोगों ने उनका शोषण किया, इसलिए तो वो बेचारे हाथ में शस्त्र लेकर के लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या उनके विरुद्ध सेना को भेज करके उनको मारना चाहिए क्या? वो तो अपने भाई है, सही है कि नहीं? पूरे आप छत्तीसगढ़ में जाकर के देखो, झारखंड में जाकर के देखो, बेचारों को पीने के लिए पानी नहीं है, बेचारों के ऐसे ऐसे लगता है कि वहां कुछ है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? तो वो बंदूक उठा लेंगे, क्या करेंगे? उनकी अपने भाई ही तो है। मैंने उसको पूछा अरुंधति राय का लेख पढ़ा क्या? बोले हाँ। मैंने कहा अच्छा, समझ में आ गई कहां से ये खोपड़ी में आए। लेकिन तर्क तो कितना सही लगता है कि नहीं? जेएनयू में जब अपने राष्ट्रीय गृह मंत्री जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चिदंबरम, जेएनयू में नक्सलवाद पर बोलने के लिए गए, हालांकि कोशिश बहुत की गई कि उनके उस सभा में केवल 100 विद्यार्थी से ज्यादा नहीं गए, सबको रोक लिया गया था, पुलिस वुलिस लगाई गई थी, और वो 100 लोग भी एनएसयूआई वाले ही हो, बाकी का कोई वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन उसके बावजूद 6 लोग घुस गए उनकी सभा में जो नक्सलवादियों के समर्थक थे, और 6 लोगों ने सारी की सारी सभा उथल पुथल कर, मात्र 6 लोग। ऐसा विपरीत विचार सबके सामने आएगा, अर्जुन के सामने भी आया, क्योंकि जीवन का ध्येय स्पष्ट नहीं है। कल जब बात हुई थी ना कि सारा अष्टांग योग संगठन के अनुशासन को मानने में है, संगठन का अनुशासन मानो, यम नियम आसन प्राणायाम सब जीवन में उतर आएंगे, है ना? तो उसके बाद में एक प्रश्न आया था मेरे पास, मैंने हालांकि उस समय उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि प्रश्न पूछने वालों को व्यवस्था में बुला लिया गया, तो उत्तर नहीं दे पाया। मेरे पास प्रश्न आया, क्या जीवन में एक ही ध्येय होता है, दो चार ध्येय नहीं रह सकते? मुझे लगा ये प्रश्न आप लोगों के सामने चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आप में से लगभग सभी के मन में यह प्रश्न कहीं ना कहीं होगा। क्या दोनों बातों का समन्वय नहीं हो सकता? मेरा जो व्यावसायिक ध्येय है, मैं कुछ अपने जीवन में कुछ बनना चाहता हूं और कुछ करके दिखाना चाहता हूं वो, और केंद्र का काम भी करना चाहता हूं, राष्ट्र का काम भी करना चाहता हूं, भारत माता का काम भी करना चाहता हूं, क्या दोनों का समन्वय नहीं हो सकता? क्या दो ध्येय नहीं हो सकते? पूछने वाले में तो 3-4 नहीं हो सकते जो पूछा था, 3-4 वाला तो बहुत कम लोगों के मन में होगा, लेकिन 2 का तो लगभग सबके मन में होगा, है ना? गर्दनें हिल रही है, आंखें चमक रहे हैं, भारत माता की भी सेवा करनी है और आयुर्वेद की भी सेवा करनी है। कैसे होगा? एक ही नहीं प्रश्न है कि नहीं? जिनके मन में से ये प्रश्न हट गया उनको बड़ा मजा आता है, ये प्रश्न सुनने में भी मजा आता है। इसलिए मुकेश भैया, प्रियंका दीदी ये सब हंस रहे हैं, किशोर भैया हंस रहे हैं, ये कौन सा प्रश्न है? क्योंकि उनके मन में नहीं है, जिनके है उनको लगता है बिल्कुल सही, वाजिब प्रश्न है, कोई गलत प्रश्न नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की अपन कोशिश करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उत्तर दिया वो हमारे लिए मार्गदर्शन हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह डालने के लिए पहले तो पूरा ध्यान दिया उसको, सारा जबरदस्त, कहां से शुरू की शुरुआत, कहां से की? पहले तो उसको 2 बार रटाया नहीं, लज्जम स्मतम पात नहीं तत्व युप पद्य थे, अरे नपुंसक हो गया ऐसी बात करता है उनसे भागने की? भया घृणातु परतम, तुम भय के कारण मैं से भागते हो, ऐसा लोग कहेंगे, नपुंसक हो गए, कृप हो गया, तुझे शोभा नहीं देता, न
नहीं तत्व युपपत्ते, ये तुम्हारी उपपत्ति नहीं है, ये तुम्हें शोभा, तुम्हारा जन्म इसके लिए नहीं हुआ है। भयाद परम मनसंते त्वाम महारथा, सारे महारथ कहेंगे कि ये भाग्य। और अभी जो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं उनके ही मत में तुम लघु हो जाओगे, छोटे हो जाओगे, शूद्र हो जाओगे। क्या कर रहे हो? ये अकीर्ति कर, तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला, तुम्हारा नाम बदनाम करने वाला, नाम कटवाने वाला, ऐसा गंदा विचार कर्मशम, ये शब्द प्रयोग क्या है? कुतस्त्वा कश्मलं।